भाई यहाँ रिक्शे वाला भी है। ₹10 सवारी। ये वारदात हो गई थी हमारे साथ, हमारा ना कट गया था भाई बिल्कुल भी। आप खुद सोचो, आप लोग लैंड हो रहे हो ऑस्ट्रेलिया और आपको पता ही नहीं आपके होटल में क्या है, आपको सही से बुकिंग नहीं हुई, कंफर्मेशन नहीं दी। अभी कुलदीप का मन कर रहा है शराबी पीने का, मैं इसको कन्विंस कर रहा हूं, इन्हें ज्यादा ही बदनाम कर रखा है भाई। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल, दिस इज योर तुषार बजाज। दिस इज ऑफिशियली माय फर्स्ट डे इन मेलबर्न। हम लोग कल रात को ड्राइव करके आए थे और उसके बाद जो वारदात हुई मैं आपको आराम से बता दूं, ठीक है। दिस इज माय ऑफिशियली फर्स्ट डे, हम लोगों ने होटल लिया है, ठीक है। वी गोना बी स्टेइंग हियर टिल लाइक ट्यूसडे। और वारदात सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हाउस टूर दे देता हूँ, ठीक है। तो एज वी एंटर इन द हाउस वी हैव लॉन्ड्री एरिया प्लस वॉशरूम प्लस पॉटी करने की जगह, ठीक है, यही होती है, इंक्लूडेड, बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा शावर एरिया, उसके बाद दिस इज आवर सिटिंग एरिया और यहाँ पे ये बेडरूम, किंग साइज बेड, टीवी सब कुछ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑन द लेफ्ट वी हैव दिस किचन और ये सब। और एक और चीज मैं आपको मजे की दिखाता हूँ, ठीक है। ये है आउटडोर सिटिंग एरिया, ये सीढ़ियां जा रही है हमारे अपार्टमेंट से और यहाँ पे ये बैठने की जगह है। और ऐसे उसकी उधर भी है और उधर भी है और उधर भी है, मतलब हर जगह। फिर ऊपर ऐसे फ्लोर बने हुए हैं। तो इसको बोलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, ठीक है। अपार्टमेंट तो नहीं है, होटल है। स्टूडियो कभी कभी बिल्कुल खुले भी होते हैं अलग से, मतलब वो ये समझ जाओ आप लोग, कुछ नहीं होता। अब आपको मैं वारदात सुनाता हूँ कि हुआ क्या था, ठीक है। अपार्टमेंट देख लिया, मस्त है, कितने का मिलना वो सब मैं आपको आराम से बताऊंगा। तो मेरा ना मेलबर्न आने का प्लान फिक्स नहीं था कि मैंने कब आना है मेलबर्न, कौन सी डेट को आना है, ऐसे कुछ भी फिक्स नहीं था। बट ये था कि हाँ आना है। और गुंजीत भाई को थोड़ा बहुत यहाँ पे काम था 24th को, तो हमने सोचा कि हम 23rd को दिन में सुबह सुबह निकल जाएंगे। जो हम दिन में निकले तो भाई ने अपने लिए अपनी फ्लाइट बुक करा रखी थी और उसने अपने लिए होटल बुक करा रखा था। अब भाई उसका प्लान था अकेले आने का और उसको अकेले ही आना था, तो उसने सिटी में एक अपना होटल लिया, ठीक है, 1 bedroom, उसके अंदर छोटा सा रूम था, वो ज्यादा करके खास नहीं था। बट मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, तो उसने कहा ठीक है मैं होटल से बात कर, हम लोग अपग्रेड करा लेंगे, डबल वाला बेड ले लेंगे, एक बेड पे कहां एक दूसरे पे चढ़ के सोएंगे, ना नॉट पॉसिबल है बिल्कुल भी। हम लोग होटल में गए, रात को हम लोग 11 बजे पहुंचे। तो हमको पार्किंग नहीं मिल रही थी, हमारा प्रेशर इतनी तेज बना हुआ था। हमारे को जो पार्किंग मिली वो थी $12 पर नाइट, मतलब अगर आप लोग 6 बजे के बाद कभी भी उस पार्किंग में घुसते हो और सुबह 6 बजे से आप पहले निकालते हो तो आपको $12 लगेंगे फ्लैट रेट, और पूरे दिन के अलग रेट है। तो टोटल हम लोगों को पड़ रही थी समवेयर अराउंड लाइक $30, व्हिच इज एक्सपेंसिव फॉर वन डे। फिर मैंने और गुंजीत ने सोचा कि भाई अब हम क्या करें। उस भाई ने बोला हमारे पास कोई भी रूम नहीं है क्योंकि क्रिसमस वाला वीकेंड है, सारा होटल बुकड आउट है, हमारे पास एक ही रूम है। फिर गुंजीत कहता तू कहाँ सोएगा, मैंने कहा तू कहाँ सोएगा क्या होता है, हम दोनों कोई और घर देखते हैं, कुछ और करते हैं। फिर हमने एक दोस्त को फोन मिलाया तो उसके पास रूम अवेलेबल था, हम लोग वहां सो गए थे। फिर हम लोगों ने सुबह सुबह एक होटल वगैरह देखे थे, हमको बढ़िया रेट पे मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, गुंजीत भाई काम पे है, उसको थोड़ा बहुत काम है, ठीक है, वो डोमिनोज के कुछ मैनेजर मीटिंग उसके ऐसे कुछ था मुझे पता नहीं। तो वो जब आएगा उसके बाद हम आपको उससे मिलवाएंगे। और ये वारदात हो गई थी हमारे साथ, हमारे ना कट गया था भाई बिल्कुल भी। आप खुद सोचो, आप लोग लैंड हो रहे हो ऑस्ट्रेलिया और आपको पता ही नहीं आपके होटल में क्या है, आपको सही से बुकिंग नहीं हुई, कंफर्मेशन नहीं दी। काफी ज्यादा ना इरिटेशन होती है, इसलिए मैंने वहीं पे ब्लॉग एंड कर दिया था, मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था। बट एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ, टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर इन मेलबर्न एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं पहले भी आया था लास्ट वीकेंड भी, तब भी तुषार भाई अपने फर्स्ट डे इन मेलबर्न लिख दिया था। तो भाई अब वो था एज अ टूरिस्ट, ये है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। नए नए आते हो आप लोग, होटल लेते हो, एयरबीएनबी लेते हो, उसके बाद आप लोग अपार्टमेंट सर्च करना शुरू करते हो। तो मैं यहाँ पे कम से कम 4 से 5 दिन के लिए हूँ, अपना अपार्टमेंट वगैरह देखूंगा, ठीक है। हम लोग इंस्पेक्शन पे जाएंगे, आपको सारे मतलब ब्लॉग्स में दिखी जाएगा, और फिर एक बड़े से अपार्टमेंट चूज करेंगे, अपने यूनी के पास होगा, काम के पास होगा। काम तो मेरा कुछ है नहीं यहाँ पे, जॉब्स वगैरह मेरे को ढूंढनी है, काफी ज्यादा स्ट्रेस है। बट आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट माई जर्नी विद यू गाइज। एंड आप लोग अगर चाहते हो कि मेरी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आए तो बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो उसके साइड में, फिर बेल आइकन भी दबा दो। कुछ नहीं, वो तो पता ही, यूट्यूब का बेसिक गेम है। अभी मैं जाके नहाता हूँ और फिर गुंजीत मेरे को शायद सिटी में मिलेगा या वो घर आएगा, मेरे को नहीं पता। और हम लोग चलते हैं। और ना इन लोगों ने यहाँ पे हमको ये लव लेटर सा भी दिया हुआ है, ठीक है, लिखा है फॉर तुषार एंड गुंजीत, देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। और भाई सुनने में आ रहा है कि हरप्रीत भी आ रहा है रात को, हरप्रीत और एक जगजीत, हम तो जग्गी बुलाते हैं भाई को। तो ये लिखा है क्रिसमस विशेस, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिखा है डियर गुंजीत, कह रहा हूं डियर गुंजीत एंड तुषार, द जॉय दिस, बहुत ज्यादा ना पसीने रहूं, कल भी पूरे दिन नहाया, कल हम लोगों का प्लान था 5 महीने का, चलो ज्यादा बातें हो रही, चलते हैं। अगर ये नहीं लगाते तो फाइन भी आ सकता है, तो ये लगाना पड़ेगा गाड़ी में, पार्किंग परमिट। मेरा घर यहाँ पे हो, मैं यहाँ से कूद के गाड़ी पे आ जाऊँ लेने के लिए। कहाँ घुस गया भाई, कहाँ घुस गया, ये ज्यादा अंदर घुस गया, इसको बाहर कैसे निकालूं मैं। तो ये भी जल गया ये कल, क्योंकि ये नीचे खुल गया ना गलती से, अभी पता नहीं अंदर कैसे घुसेगा, पर ये यहाँ लग के सारा जल गया, इसको मेरे को चिपकाना है।
तो भाई गुंजीत ने मेरे को बोला तू बाहर आ जा, बाहर मिलते हैं, ठीक है। उसको काम फिनिश नहीं हो रहा था, अभी खत्म हो रहा, अभी 4 बज चुके हैं। मैंने कहा चलने का प्लान है, कोई बड़ी जगह चल भाई, बहुत तेज भूख लग रही है। कह रहा क्राउन कैसीनो चलते हैं। मैं कहा ब्रो इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं हूं, तू तो टूरिस्ट है, तू तो घूमने आए यहां पे। कह रहा कोई बात नहीं चलते हैं कैसीनो। देखो तो अभी आ चुका हूं, क्राउन पीछे लिखा हुआ है, क्राउन बड़ा बड़ा, और ये बहुत बड़ा कैसीनो है, सिडनी में स्टार कैसीनो है, यहाँ पे क्राउन कैसीनो है। और कितना ज्यादा हैपनिंग, मतलब अभी क्रिसमस की छुट्टियां, लोग कम है, पता नहीं कहां गए लोग, मेरे को तो लग रहा था भीड़ होगी। अब मैं पहुंच गया, तू कितनी देर में आ रहा है? कह रहा तू जा अंदर खेल में आ रहा हूं। मैं मेरे को नहीं खेलनी भाई, मैं नई सिटी में आया हूं, एक स्टूडेंट जब आता है उसको बहुत सारे काम होते हैं, फोन नंबर लेना है, ये वो सब तो है ही, बट बाकी मेरे को मेन जो टेंशन है वो मेरे को जॉब की और घर की है। बट भाई कह रहा कोई नहीं भाई कैसीनो चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है देख लूंगा तेरे को कितना तू हारता है। कह रहा कोई नहीं चढ़ावा दे के आएंगे भाई। तो फाइनली गुंजीत मेरे को मिल गया, ये कैसीनो के पीछे खाना खाने के लिए बुलाया था इसने। ही इज अ गुड मैन, ही नेवर गैम्बल्स, क्योंकि जुआ किसी का ना हुआ। एंड हियर वी हैव चेतना एज वेल। चेतना हाउ इज इट गोइंग? चेतना वेयर आर यू फ्रॉम? व्हाट आर यू डूइंग इन मेलबर्न? व्हाट आर यू डूइंग हियर ऑन आवर टेबल? I'm doing my master's from Deakin Uni. I've been in Melbourne from 2 years. मेरी भी मैंने तो तेरा तो बताई। कितना हारा गैम्बलिंग में? हिम्मत हार गया। ऑन सीरियस नोट, अब हमने छोड़ दिया, हमने नहीं, मेरे को इतनी आदत नहीं थी, पर फिर भी एंजॉयमेंट के लिए मैं सारा लूट फूट गया था, उसके बाद से इसके खेलता ही नहीं करिए। और हमको चेतना बता रही है वहाँ पे तो मैं, मेरी जॉब लग सकती थी अकाउंटिंग की, पर रह गई, अभी छोड़ दी अकाउंटिंग हमने। जाना है कौन सी तेलवी? वॉलेट ले रहा था ना तू? कहाँ है देखा? अरे 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 आ गया। हमने पे कर दिया था, लेना भूल गए हम। अभी हम सोच रहे हैं क्लबिंग जाते हैं रात को, पर अब जा नहीं सकते, अभी कोई खुला नहीं साथ में। सिडनी में तो 7-8 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती है क्लब के बाहर, यहाँ तो 10 बजे खुल रहा सब कुछ, इतना चिल कैसे हो रहा है सब कुछ। चेतना ये क्या बना हुआ ऊपर? अरे इधर 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 इधर, ये ऐसे ही बना दिया, मतलब हमको पता नहीं है, रिपोर्ट मत करना कि क्या बोल रहा हूँ उल्टा सीधा, अगर कुछ है ये इंस्टाग्राम का लोगो लग रहा है मेरे को तो, देखना घुस गया। भाई यार रिक्शे वाला भी है, 10 रुपए सवारी। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या है, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, ऐसे ही होता है, आखिरी दिन होता है ना जब एग्जाम्स का, तो पता ही नहीं होता क्या करे, कहाँ से शुरू करे। एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग। अभी गुंजीत का मन कर रहा है कोई शराबे पीने का, मैं इसको मना कन्विंस कर रहा हूं, इन्हें ज्यादा ही बदनाम कर रखा भाई। भाई अभी हम ट्रैम में आए, चेतना एक चीज दिखा रही है, दिखाना क्या होता है यहाँ पे, ट्रेन कैसे रोकते हैं यहाँ पे सही में। तो भाई फाइनली फिर हम लोग घर आ गए थे, ठीक है, सो रहे थे, और हम लोगों को ना सरप्राइज मिला है, क्रिसमस पे सेंटा सरप्राइज देता है ना, यहाँ पे हमको हरप्रीत ने दिया। हरप्रीत इज हियर, अरे खुश तो हो जाओ। बाहर नहीं देता। और जगकी क्या हाल है? इन लोगों ने हमको सरप्राइज दिया है, मेरी क्रिसमस इन लोगों को विश फोन पे नहीं करना अच्छा लग रहा था। तो दिस वाज माय फर्स्ट डे इन मेलबर्न एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग कैसीनो गए, फिर इधर उधर आवारा गर्दी कर रहे थे, सिटी में एक्सप्लोर कर रहे थे, फिर हम लोग घर आ गए। तो अभी सो जाएंगे बस कुछ खा पी के। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी चलेगी तो लाइक कर देना, कोई की सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में तो लक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया। कैमरा भी तो टेढ़ा है भाई, नशेड़ी।